तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू गिवन सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है तो मैं ग्लो के लिए वन लेता हूँ, जो ग्लो करेगा उसके लिए मैं इधर ले लेता हूँ, अगर बल्ब ग्लो करता है उसके लिए मैं वन लेता हूँ, और बल्ब अगर ग्लो नहीं करता है, ऑफ है, बल्ब ऑफ है, तो उसके लिए बल्ब जो है बल्ब ऑफ है नहीं जला तो उसके लिए मैं जीरो ले रहा हूँ। और ये सर्किट अगर बात करोगे या स्विच, जो स्विच लगे हैं, सर्किट अगर ऑन है तो उसके लिए मैं वन लेता हूँ, सर्किट ऑफ है तो उसके लिए मैं जीरो लेता हूँ। बात आ रही समझ में? तो ये एक सर्किट है और ये यहाँ मैं प्लस 5 वोल्ट लगाता हूँ और ये यहाँ से मैं सर्किट को कंप्लीट कर दूँ तो ये 0 वोल्ट पे है और प्लस 5 वोल्ट पे है। तो ऐसे कुछ इक्विवेलेंट सर्किट होगा, प्लस माइनस 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगेगी। तो अगर यहाँ से अब मैं अलग अलग केसेस लेता हूँ, यहाँ चार, देर आर 4 पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी ए में देखो, यहाँ से ए और बी स्विच, तो ये स्विच ए और ये स्विच ए वन और ये स्विच बी वन, और ये जो है बल्ब की सिचुएशन है, बल्ब की सिचुएशन है, बल्ब ग्लो करेगा या नॉट ग्लो करेगा। तो अगर मैं पहले केस में स्विच को कनेक्ट करता हूँ, ये रहा मैंने पहले केस में स्विच को कनेक्ट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, पहले केस में थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले दोनों दोनों को ऑफ रखते हैं। बल्ब को अगर मैं ऑफ रखता हूँ तो इन दोनों स्विच को मैं ऑफ रखता हूँ, ये भी स्विच ऑफ है, ये भी स्विच ऑफ है, अभी ऑफ है, तो ऑफ है तो जीरो जीरो। तो क्या यहाँ से कोई करंट जाएगी? क्या करंट की वैल्यू जीरो मिलेगी? तो बल्ब जलेगा ही नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो सॉरी, यहाँ से जो सर्किट कंप्लीट है, यहाँ से जो ये दोनों स्विच ऑफ है, तो जो करंट यहाँ से जाएगी, सारी की सारी करंट यहाँ से ऐसे चली जाएगी, तो बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा, तो बल्ब ग्लो करेगा तो वन। अब मैं दूसरे केस में पहले जो स्विच है, हाँ, अब मैं इस स्विच को बंद कर देता हूँ, तो इस स्विच को बंद कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, तो इसके लिए मैं ऑन कर दे दिया तो उसको वन कर लिया, और दूसरा स्विच ओपन है तो इसको जीरो ले लिया। अब क्या होगा भाई? अब यहाँ से जो करंट जाएगी, अभी भी सारी की सारी करंट इधर से ही निकल जाएगी, ऐसे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ब्रेक है, ऑफ है, तो यहाँ से तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो अभी भी बल्ब जलेगा, समझ रहे हो? अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्विच को अच्छे से देखना, इस वाले स्विच को, हाँ, अब मैं यहाँ से अब मैं स्विच बदल देता हूँ, पहले किस स्विच को ऑन ऑफ किए थे, तो अब यहाँ से इस वाले स्विच को मैं बंद कर देता हूँ, इस स्विच को ऑफ रखता हूँ, मतलब ये जीरो है और ये वन है, ऑन है। तो अब क्या होगा, अभी भी जो करंट यहाँ से जाएगी वो सारी की सारी ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑफ है, तो अभी भी बल्ब जलेगा, तो बल्ब जलेगा तो इसके लिए आएगा वन। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों स्विच को बंद कर देता हूँ, दोनों स्विच को बंद कर देता हूँ, मतलब ये वन 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 कर देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर दोनों स्विच है तो ये बल्ब ऐसे, सर्किट ऐसे एक सिंपल वायर की तरह बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पर एक बल्ब लगा रहेगा, और यहाँ से ये प्लस माइनस 5 वोल्ट की 0 वोल्ट की बैटरी ऐसे, तो ये प्लस माइनस 5 वोल्ट की बैटरी, अब ये बल्ब जलेगा ही नहीं, अब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा मेरे भाई। क्यों नहीं ग्लो करेगा? क्योंकि यहाँ से जो करंट आई जाएगी वो यहाँ से लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाएगा, सारी की सारी करंट यहाँ से चली जाएगी और ये करंट यहाँ आ जाएगी। इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, इसमें बल्ब में जो करंट जाएगी वो जीरो जाएगी, क्योंकि यहाँ से सारी करंट आएगी और इधर आ जाएगी, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस जीरो है और बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा यहाँ से, तो तुम देखोगे कि यहाँ से आ, तो इस समय बल्ब नहीं जलेगा। तो ये जो सर्किट है अगर देखोगे, तो लॉजिक गेट देखोगे तो ये नंड गेट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप कि ये ऐसे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, और ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, और अगर मेरे वीडियो लाइक करता है तो यार मेरे मेहनत को मतलब सपोर्ट करो, और अच्छा कमेंट दो कि फीडबैक दो, पता चले कि क्या है और कैसा मैं पढ़ाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।